माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट नहीं प्रस्तुत कर रही हूं, लेकिन आज मैं सदन में पिछले 10 साल में दिल्ली की जो बदलती हुई तस्वीर है वो इस सदन के सामने रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, 2013 में जब हम लोग राजनीति में आए ही थे तो मैं देखती थी कि दिल्ली के लोगों का राजनीति से, लोकतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। वो अपनी वोट डालने जाते तो जरूर थे, लेकिन ये सोचते थे कि आखिर इस वोट से होगा क्या। उन्होंने देखा था कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। उसकी जिंदगी में दुख, परेशानी, संघर्ष बने ही रहते। जब एक आम इंसान, एक आम परिवार को पहली तारीख को जब उनके हाथ में तनख्वाह आती है तो हर व्यक्ति यही सोचता था कि इससे एक महीने का खर्चा कैसे चलेगा। 25 तारीख तक आते आते जब घर के सारे पैसे खत्म हो जाते थे तो गृहिणी ये सोचती थी कि बिना किसी पैसे के आखिरी 5 दिन कैसे निकलेंगे। एक आम परिवार में जब कोई बीमार हो जाता था तो इलाज के लिए परिवार को प्राइवेट अस्पताल का महंगा खर्च उठाना पड़ता था, बिल भरने के लिए जेवर गिरवी रखने पड़ते थे, मकान गिरवी रखना पड़ता था। एक आम परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने में भी संघर्ष करना पड़ता था, वो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजता था, और इसके बावजूद भी पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से एक आम आदमी का सिर्फ सरकारों से नहीं अपनी वोट से भी भरोसा उठने लग गया था। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद की किरण बनकर आए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।